नमस्कार। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मापन एवं मात्रक या मात्रक एवं मापन, कुछ भी कह लीजिए, इसमें हमने आपको त्रुटियों के बारे में हम पढ़ा रहे थे और त्रुटियों के बारे में हमने कुछ बता भी दिया था कि यदि दो राशियां हैं उनको हमने नापा, उसमें हमारी त्रुटि हो गई तो उनके योगफल में जो अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहाँ ए डेल्टा ए क्या है, ए में नापी हुई संभावित त्रुटि है, डेल्टा बी क्या है, बी में नापी गई संभावित त्रुटि है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए है वो इस टाइप से लिखा गया है, एक राशि जो लिखी गई है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसमें जो जेड होगा, ये जो संभावित त्रुटि होगी वो उनकी अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होगी। यही चीज़ अंतर में होगा, अंतर में इन दोनों का अंतर तो हो जाएगा लेकिन जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो इनके योग के बराबर होगी। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि अगर राशियों के गुणनफल में हम त्रुटि निकालनी है, जैसे हमने आपको लंबाई निकाल ली, उसकी चौड़ाई निकाल ली, वो उनमें त्रुटियाँ हो गई, तो अगर हम उनका क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो अधिकतम जो त्रुटि होगी और वो भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये पहली में नापी गई अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है और ये बी में नापी गई अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि अगर भागफल में क्या त्रुटि होगी, जैसे ये राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि, अब हम बताना चाह रहे हैं राशियों के भागफल के कारण, राशियों के भागफल के कारण त्रुटि। हमारा रिजल्ट यही आएगा लेकिन कैसे हम निकालेंगे। देखिए, माना दो राशियां त्रुटि सहित ए प्लस डेल्टा ए तथा बी प्लस डेल्टा बी से नापी जाती है तो इनका भागफल जेड बराबर ए अपॉन बी बिना त्रुटि के, इसमें त्रुटि शामिल नहीं है, और जेड डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको हम नंबर एक ले लेते हैं और इसको नंबर दो, इसको हम सरल करते हैं। देखिए कैसे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी पर पावर माइनस पर पावर माइनस। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वन डेल्टा ए अपॉन ए, और इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस वन आएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पर पावर माइनस। अब देखिए जेड डेल्टा जेड बराबर ए अपॉन बी, ये नीचे आ जाएगा वन डेल्टा ए अपॉन ए, और इसमें हम द्विपद में लगा देते हैं, जब ये राशि बहुत छोटी होगी
तो ये हो जाएगा वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और जेड डेल्टा जेड बराबर ए अपॉन बी, इसका गुणा कर देते हैं तो वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसका गुणा करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसका गुणा करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ये राशि है वो बहुत छोटी राशि है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, जेड डेल्टा जेड, इसको हम जेड लिख सकते हैं, और वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और जेड डेल्टा जेड बराबर जेड और प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको ले लेते हैं डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, या खाली यहाँ प्लस कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो इससे क्या होगा, जेड से तो जेड के चल रहा है, अब डेल्टा जेड अपॉन जेड जेड बराबर होगा माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। देखिए इसमें एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, तो अधिकतम जो संभावित त्रुटि तब होगी जब ये दोनों धनात्मक होंगे, तो अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरह से लिखेंगे, और डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आपने देखा इसमें जो हमारा रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है वो लगभग समान ही प्राप्त हो रहा है, चाहे हमारा गुणनफल के लिए हो और चाहे भिन्नात्मक के लिए। इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। अब हम लेते हैं राशियों के घातों में क्या त्रुटि होगी, राशियों के घातों के कारण त्रुटि, राशियों के घातों के कारण त्रुटि लगभग ऐसा ही है जैसा हमने आपको गुणनफल में बताया था, उस तरह से राशियों के घातों के कारण त्रुटि देखिए, माना कोई राशि इस तरह से जेड इज इक्वल टू ए पे घात पी, जहाँ पी क्या है, घात है, ये बिना त्रुटि के, और जेड ए प्लस डेल्टा ए पे घात पी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जेड इसमें ए पे घात पी कॉमन ले लिया, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पे घात पी, और जेड डेल्टा जेड बराबर ये जेड हो गया और वन प्लस माइनस पी दीपक पी में लगा दिए अपॉन ए, और जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड जेड डेल्टा ए पी डेल्टा ए अपॉन ए, इससे ये कैंसिल हो गया और डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस जेड पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, और डेल्टा जेड अपॉन जेड
बराबर प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा ए अपॉन। तो देखिए ये जो भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आई इसमें p है वो गुणा में आ जाएगा, इसी तरह से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई राशि इस तरह से नाप जाती है जेड इजिकल टू ए पे पावर p, b पे पावर q और c पे पावर r। तो इसकी भिन्नात्मक त्रुटि होगी, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि को इस तरह से निकालेंगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी, इसके लिए क्यू आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी और ए प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। ये देखिए भागफल में भी भिन्नात्मक त्रुटि धनात्मक होगी, तो इस तरह से हम इससे अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि इस सूत्र से निकाल लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिस पर हम कुछ क्वेश्चंस अभी आपको कराएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भागफल के लिए। तो देखिए भागफल में हम ये लेते हैं कि कोई दूरी चली जाती है और दूरी चलने में हम त्रुटियाँ निकाल लेंगे। एक चली गई दूरी को दिया है और समय दिया है, तो हम उसके लिए वेग की गणना करेंगे। देखिए एक वस्तु, क्वेश्चन है एक वस्तु वस्तु चार प्लस माइनस 0.3, यहाँ पर लिखा हुआ 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकंड में 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है त्रुटि की सीमाओं के साथ, त्रुटि की सीमाओं के साथ के साथ के साथ इसकी चाल की गणना कीजिए, इसकी चाल की गणना करो, गणना करो चाल में प्रतिशत त्रुटि क्या है, चाल में प्रतिशत त्रुटि क्या है, क्या है, क्या है? यहाँ पे थोड़ा गुणक में ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, 16 जी। तो देखिए हल, टी प्लस माइनस डेल्टा टी ये दिया हुआ है 4.3, दूरी एस प्लस माइनस डेल्टा एस दिए 16.2, ये सेकंड, ये मीटर। तो चाल जो होगी ये एस अपॉन टी 16, ये 4 मीटर प्रति सेकंड बिना त्रुटि,
इसमें त्रुटि अभी कामिल शामिल नहीं कही है। अब देखिए भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, भिन्नात्मक त्रुटि त्रुटि डेल्टा वी अपॉन बी, ये हमने निकाली है चार बी बराबर डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एस अपॉन एस। तो देखिए डेल्टा वी अपॉन बी को हम निकाल चुके हैं चार बराबर डेल्टा टी दशमलव तीन बटे चार प्लस दशमलव दो बटे सोलह, इसको हम सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा तीन बटे चालीस प्लस दो बटे एक सौ साठ, ये बराबर एक सौ साठ, चालीस का भाग देंगे तीन बार, चालीस चार बार चौथी बार है प्लस इसको भाग देंगे दो, तो ये आ गया चौदह बटे एक सौ साठ, एक सौ साठ। और डेल्टा बी अपॉन चार बराबर चौदह बटे एक सौ साठ और डेल्टा बी बराबर चौदह इंटू चार बटे एक सौ साठ, चार से कट गया चालीस बार और बीस ये सात, तो ये सात बटे बीस इसको हम करेंगे तो तीन दशमलव पाँच बटे दस और दशमलव तीन पाँच। तो त्रुटि की सीमाओं के साथ चाल क्या हो जाएगी, त्रुटि की सीमाओं इसको हम लिख लेंगे दशमलव, सीमाओं के साथ चार जो होगी वो होगी आपकी चार प्लस माइनस दशमलव जीरो चार मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब आती है चाल में प्रतिशत त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है, भिन्नात्मक त्रुटि यह है डेल्टा वी अपॉन वी, ये हमने निकाली थी चौदह बटे एक सौ साठ, एक सौ साठ। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि ये होगी चौदह बटे एक सौ साठ इंटू सौ, इससे ये कैंसिल हो गया पाँच ये आठ सात ये चार, तो सात पन्ना पैंतीस बटे चार, तो इसको भाग देंगे तो चार आठ बत्तीस, कितना बचा बत्तीस तीन सात पाँच प्रतिशत। इस तरह से हम इसमें गणना कर लेते हैं अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और उसी से हम प्रतिशत त्रुटि का कर लेते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल में लंबाई नापी जाती है और गुरुत्वीय त्वरण नापी जाती है और उसको नापने में कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा उसमें कितनी त्रुटि होगी। देखिए प्रश्न इस तरह से है, प्रश्न इस तरह से है, किसी प्रयोग में सरल लोलक द्वारा द्वारा आवर्तकाल ज्ञात किया जाता है, काल ज्ञात किया जाता है यदि लंबाई नापने में
ने 2% की त्रुटि तथा गुरुत्वीय त्वरण त्वरण नापने में 4% की त्रुटि होती है तो प्राप्त आवर्तकाल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात तो देखिए दिया क्या है सूत्र तो हमारा यही लगना टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी और टी इज इक्वल टू 2π एल पे पावर 1/2 जी पे पावर 1/2 ये क्या दिया हुआ ये दिया हुआ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर 2% डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 बराबर 4% हमें निकालना क्या है हमें निकालना है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% इसका मान कितना तो देखिए यहाँ से देखिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल्टा टी अपॉन टी देखिए ये घाते आ जाएंगे तो 1/2 इससे कोई मतलब नहीं 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी प्रतिशत त्रुटि क्या होगी प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 बराबर 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल जो 100 प्लस 2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 तो ये मान दिया हुआ है ये मान हमको दिया गया है तो 1/2 इंटू ये मान 2% प्लस 1/2 इंटू 4% इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ये हो जाएगा 2 बराबर 3% इसका मतलब यह है उसका जो आवर्तकाल प्राप्त होगा उसमें जो अधिकतम त्रुटि होगी वो 3% होगी इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं किसी भौतिक राशि को एक भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को भौतिक राशि को राशि जेड को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है जेड बराबर ए पावर 1/2 बी पे पावर 2 सी पे पावर 3 डी पे पावर 3/4 यदि ए को नापने में मैं 2% की त्रुटि बी को नापने में 3% की त्रुटि सी को नापने में मैं
एक प्रतिशत की त्रुटि तथा डी को नापने में 4% की त्रुटि होती है, त्रुटि होती है। तो जेड को नापने में, जेड को ज्ञात करने में कितने प्रतिशत प्रतिशत की त्रुटि संभव है, त्रुटि संभव। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, पहले हम सूत्र लिखेंगे। ये क्या दिया हुआ, ये दिए हुए डेल्टा ए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 2%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू ये दिया है 3%, डेल्टा सी अपॉन सी ये दिया हुआ है 1%, और डेल्टा डी अपॉन डी बराबर दिया है 4%। तो देखिए इसमें क्या सूत्र होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इजिक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल टू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3/4 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो देखिए 1/2 ये जो मान दिया है, ये मान दिया है 2% प्लस 2, ये जो मान दिया हुआ है 3% प्लस 3, ये जो मान दिया हुआ है वो 1% प्लस, ये जो मान दिया हुआ है इनकी 4। तो देखिए इससे ये हो जाएगा 1, ये प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3, 3 और 3 6 12 और 1 13। इसका मतलब है इसको नापने में 13% की त्रुटि हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ हमने क्वेश्चंस कराए थे जो इससे संबंधित थे, त्रुटियों से संबंधित। अब मैं आपको अगली वीडियो में सार्थक अंक पढ़ाऊंगा और सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इनको आप कर लीजिए। मैंने जो आपको शीट दी हुई है, जो इस वीडियो के साथ लिंक है, उसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, कुछ वो हमने सॉल्व करके उदाहरण में दिए हैं, उन क्वेश्चंस को कोशिश करिए करने का। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में या जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे सकूँ। धन्यवाद।